मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद विजय प्रत्याशी मतदाताओं का आभार जताने में जुटे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर पंद्रह के भाजपा विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद अपनी जीत के लिए अस्पताल में मौजूद लाडली बहनों को नमन कर उनका आभार जताया है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। ग्वालियर की जनता चुनाव जीती है, मैं तो उनका मुखौटा हूँ। सेवा करने का अवसर दिया है, इस माटी को प्रणाम करता हूँ। जो जनता से आपने वादे किए थे, सबसे ज़्यादा उद्योग जो आपने उद्योग नगरी बनाना है, ये हम और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि क्राइम भी लगातार बढ़ जा रहा है, क्राइम को किस तरह से क्राइम युवा पीढ़ी जो क्राइम भी अंकुश होगा, क्राइम पर भी अंकुश होगा, युवा पीढ़ी जो नशे क्राइम पर भी अंकुश होगा। तो भी बढ़िया किचन बनाने के लिए आपने कहा है, किस तरह से क्या आपने जायजा लिया और क्या है पूरा ये? ये सिविल हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के काया क्लब में दूसरे नंबर पर, अब इसे पहले नंबर, दूसरा नंबर आने से ही नहीं, हमारा नंबर अब जो हमारे यहाँ मरीज आता है उसकी संतुष्टि का लेवल क्या है उसका आंकलन होना है, और संतुष्टि के लेवल पे हम कितने खरे उतर रहे हैं। हमारी जो सेवाएं हैं लोगों को और कैसे बेहतर मिले, यहाँ का जो किचन है तैयार हो गया है, अब उसे चालू करना, यहाँ का आईसीयू बनकर तैयार है उसको चालू, यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था और कैसे ठीक हो उसको सुनिश्चित करें, जो स्टाफ की कमी है, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का स्टाफ ब्लड फार्म पे बिल्कुल तेजी के साथ दौड़ने के लिए रनवे पे तैयार हो गया, तो ये हमारे लिए गर्व की बात, और हम उसको दौड़ाएंगे, ये सरकार का दायित्व है। तो उसके लिए जरूर पड़ेगी तो सरकार के स्तर पर, जरूर पड़ेगी जनभागीदारी स्तर पर, लोगों का सहयोग लेके इस काम को तेज करें। लाडली बहनाओं को धन्यवाद किया, उनका आशीर्वाद लोगों को मिला, और जिसने आशीर्वाद दिया है उनको दंडवत में करने ही लोकसभा में भी मिलेगा। लोकसभा में तो 29 को 29 ही जीतेंगे हम, बा में कोई ढीलो हीलो कचू नहीं है मामलो।